पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं। विश्वकर्मा योजना जो चल रहा है अभी, ये साल भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट करती है और ये हर एक साल में एक बार ही निकलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में और आज फिर से एक नया बिजनेस के आइडिया के बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं जो विश्वकर्मा योजना है। ये साल में एक बार आता है और इसका काम रहता है, एक लॉटरी जैसे, लॉटरी नहीं लगाते, एक जुआ नहीं खेलते, इस तरीके से ये विश्वकर्मा योजना है। हर किसी का नहीं आ पाता, कैसे जैसे कैसे आप गाड़ी खरीदना चाहे तो यही गाड़ी खरीदना है और तो वही गाड़ी आप लोग को मिल जाता, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग को एक जुआ है, इस तरीके से खेलना पड़ेगा, हर किसी का नहीं आएगा। आप लोग नंबर लगाएंगे, जो भी फार्म वार्म भरना पड़ेगा, इसमें से कुछ ही लोगों का आएगा और साल में एक ही बार आता है विश्वकर्मा योजना। तो आज हमारे साथ हैं सोनू सर, चलिए इनसे जानकारी लेते हैं ये विश्वकर्मा योजना है क्या, इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसका कैसे मतलब क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर सर आपका भी स्वागत है लघु उद्योग मशीनरी में। जैसे कि आपने बताया कि विश्वकर्मा योजना जो चल रहा है अभी, ये साल में एक बार आता है, आपने सही बोला, साल में एक बार आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी मशीनरी का पार्ट वगैरह लेना चाहते हैं, चाहे टूल्स लेना चाहते हैं, इसके लिए फुली सपोर्ट आपको गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट एक बार आपको ऑफर देती है, अपने किस्मत आजमाने के एक बार ऑफर देती है कि आप आकर के अगर आप कुछ भी योजना के तहत आप चाहते हैं कुछ काम करना है, कुछ रिलेटेड आपके अंदर है कि हम कुछ बिजनेस करें, कोई अच्छा कुछ प्रूव करें अपने आप को, तो आपको सरकार मौका देती है। हर एक साल में आपको मौका देगी, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं इस योजना के तहत आप कर सकते हैं और इसमें भारी छूट के साथ। इसमें क्या होता है कि इसको लकी ड्रॉ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 50,000 आदमी, 1,00,000 आदमी इसमें डालते हैं, निकलता है 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी का। अच्छा। वो अपना मतलब लक बोल सकते हैं कि लक अपना इसमें आप आजमा सकते हैं आसानी पूर्वक से। ये हर एक साल में एक बार ही निकलता है, साल में एक बार ही निकलता है, एक बार निकलता है ये सितंबर के महीने में, साल में एक बार निकलता है। इसमें काफी लोग ट्राई भी कर रहे हैं और पहले से करते हुए आ रहे हैं, काफी लोग का ये निकलता भी है और निकलने के दौरान आपको इसमें आप आसानी पूर्वक से आपको जो 50% से ज्यादा का भी कम आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है और मशीन से रिलेटेड, मशीन चाहे तो मशीन, टूल चाहे तो टूल्स आप खरीद सकते हैं इस योजना के तहत। और बाकी आप बराबर योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें पीएमजीपी पीएमएफएम योजना है जिसके तहत आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए ही हुआ है, स्पेशलिस्ट है। मतलब ये विश्वकर्मा योजना ऐसा योजना है कि इससे, इसके तहत हम लघु उद्योग के कोई भी मशीन खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लघु उद्योग की सारी मशीनें आप कोई सा भी, आपको अगर लगता है कि हमको ये बिजनेस करना है, हम ये बिजनेस कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो वो बिजनेस आप आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। उसके तहत आप अगर इसका बहुत सारा टूल्स होता है, पार्ट होता है जो आदमी पैसा के कोताही को इससे नहीं ले पाता है, तो काम उसमें क्या होता है, ढीलापन होता है। इसके लिए देखते हुए साल में एक बार आपको ऑफर आता है, इस ऑफर के तहत आप आसानी पूर्वक से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकर के अपना काम कर सकते हैं अच्छे पैमाने पर। विश्वकर्मा योजना से अगर कोई मशीन लेना चाहता है, चाहे कोई भी हो, उस मशीन को खरीदना चाहता है, किसी भी मशीन को खरीदना चाहता है, तो क्या उसको पैसा देना पड़ेगा कि इस योजना से फ्री में मशीन मिलेगा उसको? नहीं नहीं, योजना के तहत आपको पैसा गवर्नमेंट देती है, आपको कहीं अदर नहीं लगाना है। योजना जो आप जैसे पास आउट होते हैं उसमें अगर आपका लकी ड्रॉ लगता है तो उसमें क्या होता है कि योजना आपको गवर्नमेंट पैसा आपको देती है, मतलब कि आपको जो भी कस्टमर अगर मशीन को खरीदाते हैं और पूरा खर्चा गवर्नमेंट पैसा देती है, उसमें जैसे सब्सिडी के तौर पे बोल सकते हैं, सब्सिडी के तौर पे आपको अच्छा खासा भारी छूट मिल जाता है जिसके तहत आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट पैसा देती है उसको, आपको बिजनेस करने के तरीके से बढ़ावा देती है कि अच्छा खासा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, वो पैसा फिर वापस भरना पड़ता है कि नहीं भरना? नहीं, उसमें बोले ना कि 50%, 35%, 40% सब्सिडी रहता है, सब्सिडी मिलता है जिसके तहत आपको उतना माफ हो जाता है। अच्छा, मतलब 10 लाख का अगर लोन हो चुका है, लोन ही एक समझ लीजिए विश्वकर्मा योजना से अगर आप लोग मशीन खरीदना चाहते हैं तो समझ लीजिए अगर 10 लाख रुपए अगर योजना से पास हो जाता तो उसमें 50% यानी कि 5 लाख आप लोग का छूट है और 5 लाख आप लोग को भरना है। और भरना कैसे है, वो थोड़ा थोड़ा करके किस्त के, मतलब एक किस्त उतारते हैं, आजकल तो हर गांव में किस्त उतरता है, तो उसी तरीके से किस्त हो जाता है, हिसाब से थोड़ा 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 करके आप लोग को भरना है। हाँ सर जी जी, ऐसा ही जैसे आपने बताया कि लोन के अकॉर्डिंग आपको किस्त के अकॉर्डिंग भरना है, तो बैंक उसमें तय कर देती है कि इतना पैसा आपको इतना देना होता है। मतलब दबाव कुछ नहीं है? दबाव कुछ नहीं होता उसमें, बता दें कि सबसे कम आपको उसमें ब्याज रहता है जिसके दर पे आप जमा कर सकते हैं, करके आसानी पूर्वक से छोटा कोई सा भी आदमी उसे आसानी से प्रोवाइड कर सकता है।
तो साल में एक ही बार आता है और अभी आया हुआ है विश्वकर्मा योजना से। आप लोग लघु उद्योग की कोई भी मशीन खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और विश्वकर्मा योजना का फायदा उठाना है तो जल्दी करें, टाइम बीत जाएगा क्योंकि अभी साल में एक ही बार आता है और इसका फायदा आप लोग उठा के कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लघु उद्योग की सारी मशीनें इस पर उपलब्ध है, कोई भी मशीन खरीद सकते हैं। जैसे कौन कौन सी मशीनें हैं सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए। सर लघु उद्योग के मशीन का अंतर्गत जो आता है अगरबत्ती, कपूर, धूपबत्ती वगैरह, अगर आटा चक्की का चाहे वो मसाला मशीन हो गया, वो मतलब पेपर प्लेट हो गया, चप्पल बनाने वाला हो गया, स्क्रेबर वाला हो गया, मतलब जो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है वो सारी मशीनें आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर टूल्स का खरीद सकते हैं, हाँ नोटबुक वाला भी आप खरीद सकते हैं, इसमें सारा चीज अंतर्गत। इधर हम कोशिश करेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए, जितने भी मशीन है इस पे इससे अधिक मशीन आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तो ये पोस्टर है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मशीन दिखाने के लिए यहाँ पे छपाई किया गया है, मगर ये लघु उद्योग का मतलब हर मशीन आप लोगों को मिल जाएगा। देख सकते हैं कोई भी मशीन खरीदना हो तो अगर विश्वकर्मा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों आप लोग अगर विश्वकर्मा योजना से अगर लघु उद्योग की मशीन खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। और आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।